प्लास्टिक बॉटल टोमेटो फार्मिंग। मिर्जापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अच्छे से पानी का सुविधा नहीं होने के कारण उधर फसल नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन सब किसान मिलकर उस गांव के सरपंच के पास गए। उनको देखकर सरपंच, क्या हुआ, गांव के सब बड़े लोग इकट्ठा होकर आए, क्या बात है? मालिक, इस गांव में हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। रोज इस्तेमाल करने का चीजों का दाम तो बढ़ गया है, खेती बाड़ी करने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। मालिक, देखो ये बकवास तो रोज सुन रहा हूँ, मगर मुझे क्या करना बोलिए। मालिक, टमाटर की फसल पानी नहीं होने का कारण सूख रहे हैं। आपके तालाब में मोटर रखकर खेती बाड़ी करेंगे, उसके लिए आपको ही किसी भी तरह हमारा मदद करनी होगी। क्या रे, आप सब मिलकर मेरे तालाब पर ही गिर पड़े। देखिए, इस तालाब को मैं 5 साल तक लीज में ले चुका हूँ। आपको केवल पानी भरने के लिए ही अनुमति है। कोई भी मोटर वाटर कहकर मेरे पास आए तो अच्छा नहीं होगा। वो बात सुनकर बाजवा की बीवी बबीता, मैंने आपको बहुत बार बोला है, ये सरपंच कमीना चोर है, ये मामूली आदमी नहीं है। बगल वाले गांव से चीजों को कम दाम में लाकर हमें ज्यादा दाम में बेच रहा है, एड़ा का इका। क्या रे, मर्द लोगों को हिम्मत नहीं है, इसलिए रौडी औरत को लेके आए हैं क्या? एक और बार फिर पानी के लिए मेरे पास आए तो चुप नहीं रहूंगा, जाइए यहाँ से। कहने से वे लोग वहाँ से चले गए। फिर उस दिन बाजवा के घर उनका बेटी प्रिया आई। फिर बबीता ने अपनी बेटी को सरपंच के साथ जो हुआ वो सब बताई। पिताजी, आजकल किसान बहुत अपडेट हो गए हैं। असल में जहाँ पर पानी नहीं मिलता है वहाँ पर भी बहुत अच्छे से फसल उगाते हैं। फिर भी आप प्लास्टिक बॉटल फार्मिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये प्लास्टिक बॉटल फार्मिंग क्या होता है बेटी? मैंने वो कभी भी नहीं सुना। पिताजी, एक मोटर को पाइप्स लगाकर पाइप के द्वारा बूंद बूंद पानी गिरा जैसा करते हैं पौधे को। इसके कारण पानी भी वेस्ट नहीं होगा, मगर मोटर रखने के लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको ही प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर उसमें पानी भरकर उसमें एक छोटा सा छेद बनाएंगे। तब उस छेद से पानी का बूंद बूंद गिरता है पौधों को, उसके कारण वाटर वेस्ट नहीं होगा और पानी पौधों को समय पर पहुंचता है। अगले दिन से वाटर बॉटल्स मंगाकर उसमें छेद लगाकर उसमें पानी भर के पौधों को लगाई। ऐसे ही थोड़े दिन के बाद बिना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किए बिना प्लास्टिक बॉटल्स के जरिए टाइम पर पानी मिलकर टमाटर का फसल अच्छे से उगने लगे। वो देखकर वहां के सब किसान ने प्रिया का तारीफ किया। देखा ना, कितना अच्छा फसल उगा है। इतना ही नहीं, हमको मुश्किलें आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप लोग भी टमाटर उगाइए और 4 दिन के बाद टमाटर केजी 100 रुपया हो जाएगा कह रहे हैं। वैसे ही मेरा खेत तुम्हारा खेत कहे बिना सब मिलकर प्लास्टिक बॉटल्स में पानी लाकर एक दूसरे की मदद करेंगे। उनकी बातों को सुनकर सब किसानों ने तालियां बजाई। अगले दिन से सब लोग खुशी से प्लास्टिक बॉटल्स को तालाब के पास लेकर उसमें पानी भर के लाकर पौधों को डालने लगे। वैसे ही सब लोग मिलकर थोड़े महीने में प्लास्टिक बॉटल टोमेटो फार्मिंग करने लगे। उसकी वजह से टमाटर का फसल बहुत बढ़ गया था। वो जानकर सरपंच एक दिन उनके अनुगामी के साथ बाजवा के खेत पर आया। फिर उधर किसानों के साथ सरपंच, अरे वाह वाह वाह, 1 किलो 120 है रे, आपका टाइम मामूल नहीं है, देश का पूरा पैसा इधर ही है लग रहा है। जैसे भी हो मेरा तालाब से पानी इस्तेमाल करके फसल तो उगाए, इसलिए इस फसल को आधा दाम में मुझे दे दो, मैं बेचूंगा। देखो फसल कैसे बेचना है हमको मालूम है, कल लॉरी आकर यहाँ से लेकर जाएगा, तुम जाओ। ए, देखो लड़की, तुमको ये सब चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है लग रहा है, मेरे खिलाफ आएंगे तो आपका फसल को नाश करने तक नहीं छोड़ूंगा। देखा इस एड़े को, हमारे आंखों के सामने ही हमारा फसल को नाश करूंगा कह रहा है, मारो इसको, बुद्धि आने तक मारो। कहने की वजह से वहाँ के सब लोग मिलकर सरपंच को खूब से मारे। उसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया। बाद में प्रिया की सलाह लेकर आजू बाजू गांव वाले भी प्लास्टिक बॉटल टमाटो फार्मिंग शुरू किया। कार्डबोर्ड हाउस।
गुरगाम नाम के गांव में रिच कॉलोनी और गरीब कॉलोनी अगल बगल में रहते थे। उस रिच कॉलोनी में हेमंत नाम का एक आदमी रहता था। वो हमेशा गरीब कॉलोनी वालों का अपमान करता था। एक दिन गरीब कॉलोनी के बच्चे सब मिलकर कार्डबोर्ड्स लेकर आए और उनसे खिलौना तैयार कर रहे थे। तभी हेमंत अमीर बच्चों के साथ उधर आया। हे गाइस, देखा इन डर्टी फेलोस को? हम इस्तेमाल करके फेंका हुआ कार्डबोर्ड्स को लेकर क्या क्या फालतू चीज बना रहे हैं। तब गरीब कॉलोनी का बच्चा ध्रुव ने, फालतू चीज नहीं भैया, हम स्कूल के तरफ से डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं। हम सब फ्रेंड्स मिलकर एक मिनी हाउस बना रहे हैं, उसके लिए है ये सब। क्या रे, तुम्हारे चेहरों को डिस्ट्रिक्ट में भाग लेना जरूरी है क्या? वो भी हमारा रिच कॉलोनी वाले कंटेस्ट करते हैं उसमें। तभी उधर ध्रुव का टीचर दीपिका आई। देखो मिस्टर, आप कौन हो मुझे मालूम नहीं है, मगर ऐसे बच्चों के बीच आकर झगड़ा कराना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, रिच सेटअप होने से ये स्कूल नहीं होता है, कहीं पे भी अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। आपके जैसे सुविधाएं के बिना पढ़ के भी बहुत लोग IAS और IPS बने थे। गरीबी केवल एक स्थिति है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। अरे ओए, दीदी के लिए तालियां बजाइए, नैतिकता के बारे में बहुत अच्छे से बोल रही है ना। तब सब रिच बच्चे तालियां बजाए। ठीक है मैडम जी, फिर तो आप क्या कहते हैं, आपके बच्चों को 30 मार खान समझते हैं क्या? ठीक है, अगर वही सच है तो हमारे बच्चे एक मिनी हाउस तैयार करेंगे। आपके बच्चों को भी तैयार करने के लिए कहो, तब कौन टैलेंटेड है ये पता चल जाएगा ना। आपके चैलेंज के लिए हम रेडी है, ठीक एक हफ्ते में आपके बच्चों को भी मिनी हाउस तैयार करने के लिए बोलिए, हमारे बच्चे भी तब तक बनाकर दिखाएंगे। अगले दिन से गरीब बच्चे सब मिलके कार्डबोर्ड्स लेकर एक मिनी हाउस को बनाना शुरू किए। वैसे ही रिच बच्चे भी हेमंत ने खरीद कर लाया हुआ सामान से एक मिनी हाउस को बनाना शुरू किए। ऐसे एक हफ्ता होने पर दोनों घर पूरा तैयार हो गए। अब उनको लाकर गरीब कॉलोनी के पास एक जगह में रखकर गांव के प्रेसिडेंट और वहां के लोगों को बुलाए। उसके बाद उधर आया हुआ प्रेसिडेंट उनको देखा और फिर लोगों से, प्रेसिडेंट देखिए, यहाँ के सब बच्चे मेरे जान पहचान वाले ही हैं, इसलिए सही फैसला ही कहूँगा। देखने से तो दोनों घर अच्छे हैं, मगर मार्क्स देना है तो रिच बच्चों को 50, गरीब बच्चों को 90 दूंगा, क्योंकि रिच बच्चों के घर में कॉस्टली सामान, किसी और का क्रिएटिविटी दिख रहा है, मगर गरीब बच्चों के घर में सब चीज पर उनका ही क्रिएटिविटी दिख रहा है। वेरी गुड बच्चे, बहुत मेहनत किया, ऐसे और भी बढ़िया बनाते जाना चाहिए। वैसे ही रिच बच्चे, आप लोगों को भी उनको देखकर सीखना चाहिए। वो सुनकर सब लोग ने तालियां बजाए। उसके वजह से गुस्से में आकर हेमंत, क्या है प्रेसिडेंट, बात टिफिन हम सब रिच लोगों से लेकर इन गरीब वालों के सपोर्ट में बात कर रहे हो, दूसरी बार जीतना नहीं है क्या तुमको? अरे वो एड़ा, यहाँ क्या हो रहा है और तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जैसे एड़ों के वजह से ही मासूम बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या रे बुड्ढे, बड़े बड़े बातें कर रहे हो, उसके ऊपर फालतू के कार्डबोर्ड हाउस और उसके लिए ये बेवकूफ लोग तालियां बजा रहे हैं। तुम्हारे आंखों के सामने ही इस कार्डबोर्ड हाउस को नाश करके छोड़ूंगा, कौन रोकता है देखता हूँ, कहकर कार्डबोर्ड हाउस को खराब करने के लिए आगे गया। वो देखकर प्रेसिडेंट और लोग ने मिलकर हेमंत को पकड़ के खूब पीटे, फिर वो वहां से भाग गया। देखिए बच्चे, आपके उम्र में आपको सिर्फ क्रिएटिविटी को देखना है, पैसों को नहीं। जिसके पास टैलेंट है उनसे देखकर सीखना है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप लोग ऐसे ही आदत करोगे तो अपने आप स्वचालित ही धनी बन जाओगे। ये सुनकर उधर सब लोग तालियां बजाएं।